पहला बार जब एमएस ऑफिस शुरू होगा कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन आएगा इस सब को मत पढ़ना, कुछ मत करना, मैं भी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, ठीक है, बस यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ हर बार और यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको कर देता हूँ फिनिश, ठीक, तो ये गायब हो जाता है, ठीक है, आपको भी मन करे तो ऐसे ही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। एक इस चीज का ऑप्शन है, मैं हटा देता हूँ फिर बताइएगा किस चीज का ऑप्शन है, जरा बताना भाई, नहीं मालूम, ऐसा काम करिए ना, आप लोग पिछला रिकॉर्डिंग सारा देख लीजिए, ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आता है वो पूछ लीजिए, ठीक है, और आप नहीं पूछेंगे तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप कितना ज्ञानी है, ये बात तो मेरे को मालूम नहीं कि मैं बता पाऊंगा, ठीक है, तो बिना पूछे तो मैं क्या, शायद लगता है कि कोई ना बता पाए, अब कोई उतना विलक्षण आ जाए कि मन का बात अपने आप जान के बता दे तो भाई उतना ज्ञानी तो हम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सारा रिकॉर्डिंग देख लें पिछला, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास यही है ना, नहीं है, 97 52 64 64 82 नंबर तो हम बदलिए देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना बदलूं, ठीक है, फोन करके पूछ लेना या तो ईमेल करके पूछ लेना, ठीक है, या तो फोन करके पूछ लेना या तो ईमेल करके पूछ लेना या तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक, बस सुबह फोन मत करना, मैं सोता रहता हूं उस समय पे, ठीक है, रात में फोन कर लेना 2 बजे भी मुझे दिक्कत नहीं होगा, ठीक, बस सुबह मत करना फोन, हाँ उतना रात तक मैं जग लेता हूँ, ठीक है ना, सुबह फोन करना तो करना ही मत, ठीक, हाँ 8 बजे तक तो उठ जाता हूँ सोके, ठीक है, तो ईमेल कर देना, व्हाट्सएप कर देना, फोन कर देना, जो मर्जी है वो कर देना, ठीक है, नंबर में कोशिश करूंगा कि ना बदलूं, बदल जाएगा तो ये ईमेल है, आप ईमेल मुझे कर दीजिएगा, मैं पढ़ लिया करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा, आप नहीं पूछेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सब लोग ज्ञानी बाबा हैं, ठीक, हाँ आप सब लोग ज्ञानी बाबा हैं, आप लोगों को सब कुछ समझ में आता है इसलिए आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, हैं, गर्मी लग रहा है, पीछे वाला फैन चला लो, आप लोग फैसला कर लो पंखा चलाना है या नहीं, ठीक है, ये ऑफिस बटन है, चलिए जी हम एकरा के डिलीट कर देते हैं, ये सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट कैसे होता है जरा बताना, कंट्रोल ए, बिना कंट्रोल ए के सिलेक्ट नहीं होगा, कैसे होगा, माउस मैं नहीं छूने दूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा कि माउस छूने, कंट्रोल प्लस 5, ठीक, 5, ठीक है, कंट्रोल 5 दबाना तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, मेरा इंटरनेट चल रहा है, दिखा रहा हूं मैं आप सारा सब कुछ मैं बता चुका हूं आप लोगों को, शॉर्टकट बटन बताया था मैं, शायद लगभग देखता हूं इंटरनेट कनेक्शन होगा तो, नेट नहीं चलेगा क्या, लगता है मैं ड्राइवर चलाना ही भूल गया था जब विंडो इंस्टॉल किया था, क्या करें बहुत दिक्कत है, चलिए मैं कुछ और जुगाड़ लगा लेता हूँ, ठीक है, सारा शॉर्टकट बटन्स मैं आप लोगों को जितना मुझे याद उस समय पे आया वो मैं आपको बता दिया था, अभी बता रहा हूँ कहाँ बताया था, USB T3, ठीक है, इसको मैं रोक लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है आखिरी में ही बता दूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, आ जाए एमएस वर्ड पे, चलिए जी आ जाते हैं,
ये वाला ओपन किया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, डिलीट करना है इसको, ठीक। चार्ट तक हो चुका था, बचा था हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक का जरूरत हमें क्यों पड़ता है, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट से किसी अदर रिसोर्स को जोड़ने के लिए, मतलब जैसे मेरे को अपने डॉक्यूमेंट से कोई फाइल जोड़ देना है, जैसे क्लिक करूं तो कोई एमएस वर्ड का फाइल ओपन हो जाए, कोई पीडीएफ फाइल ओपन हो जाए, कुछ फोटो ओपन हो जाए या जो ओपन हो जाए, ठीक। या फिर ईमेल खुल जाए क्लिक करने पे, या तो कोई वेबसाइट खुल जाए, तो वेबसाइट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, www.com गूगल स्पेलिंग यही है, अगर गलती ये होगा तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वेबसाइट लिख के स्पेस आप देंगे तो ये हाइपरलिंक बन जाएगा, आप कंट्रोल क्लिक करूंगा ना तो ये हाइपरलिंक खुल जाएगा। ईमेल हाइपरलिंक करना है तो क्या करूंगा, email@email.com, ये देखिए ईमेल के जगह पे आप जीमेल उमेल कुछ लिख सकते हैं, और इस ईमेल के जगह पे कुछ अपना नाम गांव जाए जो होगा ईमेल वो लिख देंगे और स्पेस देंगे तो ये हाइपरलिंक बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए फिर से मैं आता हूँ इस पे। अब कोई फोल्डर, ठीक है, जैसे कोई फोल्डर आपने बनाया है उसको आप लिंक करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। फोल्डर बनाने का मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल कर लिया, जिसको जो शॉर्टकट बटन है Ctrl+Shift+N, ठीक। Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो फोल्डर बन जाएगा, वो लिनक्स हो या विंडोज, ठीक। अब ये न्यू फोल्डर है, ठीक है। अब मैं इसको जो है हाइपरलिंक इसमें इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे आप लोग आएंगे, जो चीजें नहीं समझ में आएगा आप लोग मेरे से पूछ लेंगे, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे आएंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे खोजिए आपका वो जो न्यू फोल्डर बनाया था, कहाँ बनाया था, तो मैं डेस्कटॉप पे बनाया था ना, तो डेस्कटॉप पे आ गया। अब डेस्कटॉप पे ये न्यू फोल्डर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो एड्रेस है कि ये फोल्डर खुलेगा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये बोल रहा है कि डिस्प्ले पे क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे क्या दिखाई देना चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा नाम वहां पे दिखाना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप लोग जरा बता दीजिए मेरे को क्या करूंगा। टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो है ना, वहां पे मैं आ जाऊंगा और फिर क्या दबाऊंगा, Ctrl+5, ठीक। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा टोटल, या Ctrl+A दबाऊंगा, ठीक है, हटा दिया। अब इसको बोल देता हूँ, ठीक, या फिर ये सही नहीं लग रहा है, मैं कर दूंगा ओपन फोल्डर, ठीक है, ओपन फोल्डर लिख दिया यहाँ पे और कर दिया ओके, ठीक। अब ओपन फोल्डर यहाँ पे हो गया, अब कंट्रोल क्लिक करूंगा तो वो फोल्डर मेरे साथ एस कर दूंगा, पूछ रहा है ये सेफ है कि नहीं है, मैं बोल रहा हूँ करना ओपन, ठीक है। तो ये फोल्डर ओपन कर दिया, कर दिया ना। अब वो फोल्डर खाली था, फोल्डर के अंदर कुछ था नहीं, ठीक है, जैसे यही फोल्डर है ना मेरा, ये देखो ये तो खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं, तो कुछ दिखाया नहीं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, ना आया हो तो आप पूछ लो, नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, फिर मेरा भी मजबूरी है कि बिना पूछे मैं कैसे जानूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, इसलिए आप लोग पूछ लेना, ठीक है। तो फोल्डर आप इस तरह से लिंक कर लेना। कोई फाइल लिंक करना है तो क्या करोगे, या तो आप यहाँ पे कुछ पहले से टाइप करके Ctrl+K दबा के इंसर्ट कर लो, या फिर आप कुछ मत टाइप करो, बस कर्सर यहाँ रहेगा, हाइपरलिंक पे जाना, और क्या मैं इसमें क्लिक करूंगा, एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज इसमें आऊंगा, ठीक है, और फिर यहाँ से लोकेशन चॉइस करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास कोई दूसरा फाइल तो बना नहीं है एमएस वर्ड का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कि क्रिएट कर दो भाई एक तो नया डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ से क्रिएट करके बता दूंगा तो शायद आप थोड़े देर में समझे या ना समझे, आपको तकलीफ हो, इसलिए मैं Ctrl+N दबाऊंगा। Ctrl+N किस चीज का शॉर्टकट बटन है, क्या चीज, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का, ओपन करने का, बनाने का ना, हाँ ठीक है, नया बनाने का भी है और बन के ओपन करके देता है अपने आप, तो हमें जरूरत भी नहीं है। अब इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ पे क्लिक मारा, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को, हाँ ठीक है दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। इसमें सेव पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक।
अब इसको मैं बंद कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पे लिंक नाम से सेव हो गया, ठीक है। मेरे को आप लोग ये बताओ ना कि ये जो मैं सेव किया हूँ डॉक्यूमेंट, तो इसका फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट करके मैं कुछ बताया था ना, वो एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, आप लोग को याद है? भूल गए आप लोग? भूल गए, भूल ही गए ना। हाँ, ये देखिए यहाँ पे फाइल बन गया है ना। अब मैं इसी को लिंक करना चाह रहा हूं, तो कैसे करूंगा? बहुत आसान है, जिंदगी का सबसे आसान काम यही है, ठीक है। बस इस पे आपको क्लिक करना है, मैं क्लिक कर दिया, आ गया डेस्कटॉप पे। जहां भी फाइल है वहां आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मेरा डेस्कटॉप पे है इसलिए डेस्कटॉप को मैं सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे फाइल था, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो है ना, ये लोकेशन बता रहा है कि यहाँ पे फाइल है, इस लोकेशन के जगह पे मेरा नाम आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, एडिट कर लूंगा, ठीक। एडिट करने से तो जी ये डिसेबल हो गया, मैं क्या करूंगा फिर, हटा दूंगा टोटल, रिमूव कर देता हूं इसको, ठीक है। अब इसी को डिलीट कर दूंगा मैं टोटल, या फिर मैं डिलीट अगर ना भी करूंगा ना, तो इसको राइट क्लिक करके कर लूंगा हाइपरलिंक, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं करूंगा ऐसा, कर दूंगा ओपन फाइल, ठीक। अब यहाँ पे एड्रेस बोल रहा है, ब्लैंक है एड्रेस, ठीक है। तो ये देखिए आ गए रहा है यहाँ पे कुछ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूंगा, यहाँ से करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से मैं आता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरा फाइल था, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कर दिया, डबल क्लिक कर दिया वो उस फाइल पे, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, अब ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये फिर खुल जाएगा, ठीक है, खुल गया ना फाइल, यही फाइल था। देखिए इस फाइल को मैं बंद किया, ठीक है, और इसको मैं ओपन करके खोल दूंगा, ठीक है, यही फाइल खुला था, ठीक। चलिए इतना तक तो समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा, आगे चले। चलिए कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर लिया मैं और हटा दिया उसको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईमेल एड्रेस मतलब वही है कि यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, टेक्स्ट में ये लिखिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप करिए, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा ईमेल पे, ठीक। कर लेंगे आप लोग या बता दूं, करके बता दूं, ओपन माय ईमेल, ठीक। यहाँ पे एड्रेस आया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देता हूं, आ गया, कर दिया मैं ओके, ये देखिए ठीक है आ रहा है ना ईमेल। कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये ओपन कर देगा आउटलुक को, जो बाय डिफॉल्ट ईमेल भेजने का सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। अब आउटलुक में कॉन्फ़िगर किया रहता तो ये ओपन हो जाता, लेकिन मैं कॉन्फ़िगर नहीं किया हूँ तो कॉन्फ़िगर करने को बोल रहे हैं, ठीक है। ये पॉपअप आ गया ईमेल खोलने के लिए, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ईमेल हो जाएगा, ठीक है। एक थो बचता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट के ही कोई जगह को लिंक करना चाहते हैं, ठीक। मान लीजिए डॉक्यूमेंट जो है ना वो 100 पन्ने का है, ठीक है, 100 पन्ने का है। अब 100 पन्ना का कोई इसका मैं क्या करूं, अब 2 सेकंड मेरे को टाइम दे दे, रुक जा भाई थोड़े देर के लिए। क्या सेट पहले पहले से तो मतलब पंखा स्टार्ट था, मतलब पहले रिकॉर्ड करके उसमें तो आती है, उसमें पंखे का नहीं आता, उसमें हो सकता है, देख लेंगे आज का जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं था ना, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट में ही कोई ऐसा जगह है जिसको आप हाइपरलिंक करना चाह रहे हो। मैं बोलता हूं बिल्कुल सही बोला है आपने, ठीक। क्या करूंगा मैं कि मान लीजिए आप कंट्रोल दबा के एंटर दबाऊंगा तो पेज ब्रेक होता है, ठीक है। आप लोग मेरे को ये बताओ कि कितना पेज है मेरे डॉक्यूमेंट में, अभी पीछे इधर बताइए कितना पेज है मेरे डॉक्यूमेंट में,
दो पन्ना है, और कोई बताओ। मैं प्रमाण भी मांगूंगा, क्या प्रमाण है कि दो पन्ने हैं? और बताओ कितने पन्ने हैं मेरे डॉक्यूमेंट में अभी? किसी को नहीं मालूम कितने पन्ने हैं? तीन पन्ने। थोड़ा तेज बोलिए। तेरह पन्ना। क्या प्रमाण है तेरह पन्ने का? हाँ, आपने सच कहा है, तेरह पन्ना है। ठीक, प्रमाण यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना? ठीक है, चलिए तेरह पन्ना मैं बना लिया। अब अभी मैं कैवे पन्ने पे हूँ। कैवे पन्ने पे मैं अभी हूँ, तेरह पन्ना पे। इस बात का क्या प्रमाण है? अच्छा, लिखा है। ओह, ये बात है। आप बताइए कैवे पन्ने पे हूँ। अभी भी? अब दसवें पे हूँ। चलिए, अच्छी बात है, आपको इतना समझ में आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में आया। अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तीन तरह से हाइपरलिंक इंसर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक, मैं ऐसा हाइपरलिंक इंसर्ट कर दूं कि उस पे आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट के टॉप पे पहुंच जाओगे। मैं बोला बिल्कुल कर दो ऐसा, क्योंकि मैं आखिरी पन्ने पे हूं, मुझे पहले पन्ने पे जाने का जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो ये इंसर्ट कर दिया। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कहां पहुंचूंगा? डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने पे पहुंच गया ना, पहुंच गया। तो ये आप लोग इंसर्ट कर लेना ना, हो जाएगा पक्का। ठीक है, जब हो जाएगा तो। चलिए जी, अब इसके बाद क्या है आगे? हाइपरलिंक में मैं आया, फिर बोल रहा है हेडिंग। हेडिंग में भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो सकता है हाइपरलिंक। ठीक, अब इसके लिए मैं कुछ बना लेता हूं। तो यहां पे होम है, यही मेनू का नाम लिख दू ना, HOME होम। फिर लिख देता हूं इंसर्ट। ठीक, फिर पेज लेआउट रेफरेंस। ठीक है, यही सब है, मेनू को लिख दिया मैं। ठीक है, इसको मैं बुलेट नंबर में करना चाह रहा हूं, नंबरिंग में कैसे करूंगा बताइए आप लोग। सच में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप लोग शायद भूल गए हैं, ये दशहरा का छुट्टी में पार हो गया आपका सब। ठीक है, डबल क्लिक एंटर मार दिया, एक बार फिर से एंटर मार दिया तो रिमूव हो गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट बटन भी है, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जो आता है बुलेट नंबरिंग। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं ना, कंट्रोल एंटर मारा, यहाँ पेज नंबर दूसरे पे पहुंचा, यहां लिख देता हूं होम। ठीक, ये होम मेनू के बारे में यहां पे कुछ लिखा रहेगा, नोट्स। ठीक ठीक है, यहाँ पे होम मेनू के बारे में कुछ लिखा रहेगा नोट। ठीक है, मैं बहुत सारा कॉपी पेस्ट ऐसे कर दे रहा हूं, आपको चलेगा? चलेगा ना। अब मैं उतना ज्यादा तो अभी लिख तो पाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। ठीक है, आप क्या मान लो कि ये क्या लिखा है? आप मान लीजिए कि होम मेनू का यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है। ठीक, ये जो होम मेनू है ना, इसका पूरा नोट्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये मान लो। ठीक, फिर मैं आता हूं अगले पन्ने पे। ठीक है, यहां पे आया, कंट्रोल एंटर मारा, अगला पन्ना आ गया, यहां पे लिख देता हूं इंसर्ट। ठीक, ये इंसर्ट मेनू हो गया। अब इंसर्ट मेनू में मैं कुछ लिख देता हूं इंसर्ट मेनू के बारे में। ठीक है, इतना सारा लिख दिया यहां पे। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूं आपको, ये तो समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो भी आप बता देना, नहीं बताओगे ये फिर मैं क्या कर सकता हूं, नहीं बताओगे तो। ठीक है, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे लिख देता हूं पेज लेआउट, पेज लेआउट हो गया। ठीक है,
यहाँ मैं पेज लेआउट के बारे में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? थोड़ा तेज बोलिए। हाँ ठीक है, आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो आप झूठ बोल के अभी अपने आप को धोखा दे रहे हैं फिर, ठीक। अब मैं क्या करूंगा ना, ये होम है इसको सिलेक्ट करूंगा, ये है हेडिंग वन, ये है टू, बाकी हेडिंग्स है, ठीक है। यहां पे मैं हेडिंग वन इसको कर दिया, ठीक। इसके अंदर होम मेनू के अंदर भी किसी को हेडिंग बनाना है तो मैं यहां पे बना सकता हूं, ठीक। जैसे मैं इसको चाहूं तो बना दूंगा ऐसे यहां पे, ठीक है, कि होम के अंदर, फिर होम पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो होम को मैं हेडिंग बना दिया ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा और आ जाऊंगा इंसर्ट पे, हाइपरलिंक, ये देखिए हेडिंग में यहां पे दिख रहा है ना होम, इसको कर दिया ओके। अब क्या हुआ, ये बन गया हाइपरलिंक, ठीक। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, होम पे मैं पहुंच गया ना, मतलब इसका क्या फायदा हुआ, मतलब फायदा ये हो गया कि मुझे स्क्रॉल करके माउस से आना नहीं पड़ा, अपने आप जहां जाना था मैं पहुंच गया। जैसे आप देखे होंगे कि पहला पन्ना में हेडिंग पूरा रहता है, पूरा चैप्टर का नाम, ठीक है, और उसके बगल में पेज नंबर होता है ना, और वहां से पेज नंबर देके हम चले जाते हैं उस पेज नंबर पे, ठीक। तो यहां भी कुछ उसी तरह का है कि आप हेडिंग का नाम पे क्लिक कर दो और फिर वहां पे आप पहुंच जाइए एक क्लिक करने के बाद, ठीक। मैं इसको भी हेडिंग बना दूंगा, इंसर्ट मेनू को भी, ठीक है, हेडिंग वन बना दिया, इसको भी, तो ये इंसर्ट मेनू भी हेडिंग बन गया, ये पेज लेआउट ऊपर चला गया, इसको मैं नीचे लाता हूं, इसको भी बना दिया मैं हेडिंग, ठीक है। हेडिंग इसको टू बना के दिखा देता हूं कि इससे क्या होगा, ठीक है, हाइपरलिंक, ठीक है। अब मैं आता हूं ऊपर, लिंक मेरे को किसको बनाना है, इंसर्ट को, ठीक है। क्या करूंगा, हाइपरलिंक पे आऊंगा, ये देखिए इंसर्ट है तो ये इंसर्ट। अब इंसर्ट वन क्या था, हेडिंग वन, तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। होम क्या था, हेडिंग वन, तो होम और इंसर्ट एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेज लेआउट को मैं हेडिंग टू बनाया था, ठीक। तो इंसर्ट हेडिंग वन के अंदर हेडिंग टू दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब, ठीक। मुझे जरूरत नहीं था, मगर मैं बताने के लिए बता लिख दिया, यहां पे यही रहने दूंगा, कर दूंगा ओके, ठीक। यहां पे आऊंगा, ठीक है, पेज लेआउट में, ठीक है, इसको भी बना दूंगा ऐसे, बन गया। अब क्लिक करूंगा इंसर्ट पे तो आ जाएगा इंसर्ट, फिर क्लिक करूंगा पेज लेआउट पे तो आ जाएंगे हम पेज लेआउट पे। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बन जाएगा ना आपसे, ठीक भाई। सिंपल सा बात है, मैं बोला कि इंसर्ट पे पहुंचो तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ के स्क्रॉल ही करोगे ना आप ऐसे। मान लीजिए 1000 पन्ने हैं तो आप क्या करना, पकड़ के ऐसे खींचते रहोगे, पता चला खींचते खींचते आगे निकल गया, हम खींचते जा रहे हैं, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप क्या कर लो, ये टेक्निक इस्तेमाल कर लो, ठीक। पीडीएफ में इसको चाहोगे तो पीडीएफ भी ये बनेगा, ठीक। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है, मेरे में पीडीएफ इसलिए बन जा रहा है ताकि, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर आता है यहाँ पे थर्ड पार्टी, उसको डाउनलोड कर दिया हूं तो बन जा रहा है, आप में भी बन जाएगा अगर आप में वो सॉफ्टवेयर रहेगा तो। डबल क्लिक मारा, ठीक है, लेकिन मेरे में सॉफ्टवेयर नहीं है एडोब रीडर का, क्योंकि मैं अभी अभी विंडो इंस्टॉल किया हूँ तो डाल नहीं पाया हूँ सारा सॉफ्टवेयर में अपने कंप्यूटर में अभी, चला तो मैं यूबंटू रहा था लेकिन ये विंडोज हमको प्रॉब्लम दे रहा था। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, होम मेनू आ गया ना, तो ये अच्छा टेक्निक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, रिमूव कर देता हूँ हाइपरलिंक, ठीक।
ये तो रहा हेडिंग, ये हेडिंग से हमने हाइपरलिंक बनाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हेडिंग है ना, इन सब हेडिंग को खत्म कर दूं या रहने दूं? खत्म नहीं करता हूं मैं, रहने देता हूं। हम देखते हैं अब कि ये बुकमार्क से कैसे बनता है हाइपरलिंक, ठीक। क्योंकि हर जगह हम हेडिंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, हेडिंग तो हम हर जगह बना नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, बुकमार्क करूंगा। होम को कर देता हूं बुकमार्क। बुकमार्क मतलब बुक माने किताब, मार्क मतलब मार्किंग करना। मैं मार्क कर दे रहा हूं कि यहां तक पढ़ा हूं या ये पढ़ना है या कहां जाना है, ठीक है। आता हूं मैं बुकमार्क पे, बुकमार्क में मैं क्लिक कर दूंगा, आप बोल रहा है बुकमार्क का नाम बताओ, मैं कर देता हूं जी होम, ठीक। कर दिया मैं एंटर, एंटर नहीं ऐड कर पे क्लिक कर दिया, अब बन गया वो बुकमार्क। ये देखिए आ रहा है ना यहाँ पे होम पे, कैंसिल मैं किया हूं, लिंक नहीं इंसर्ट किया हूं, देखिए बन गया था। हेडिंग मैं बना के छोड़ दिया हूं, पर हेडिंग नहीं रहेगा फिर भी बुकमार्क बनेगा, ठीक। यकीन है आपको या साबित करने की जरूरत है? चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यकीन होगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंसर्ट, ठीक। आप सबसे पहले गिनती नहीं लिख सकते ऐसा, और बुकमार्क में स्पेस नहीं दे सकते, अंडर स्कोर दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते अंडर स्कोर के अलावा बुकमार्क में यहाँ पे, ठीक। समझ में आ गया मैं क्या बोला, बुकमार्क का नाम में गिनती नहीं दे सकते हैं आप, ठीक। बीच में गिनती दे सकते हैं पर फर्स्ट में गिनती आप नहीं दे सकते। ये दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए भाई, जूम हो जाना। हाँ अब ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप गिनती लिखेंगे तो बुकमार्क नहीं बनेगा। ये देखिए ऐड वाला बटन डिसेबल हो गया है ना, और इसके बीच में आप गिनती लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। यहाँ पे स्पेस भी नहीं दे सकते, अंडर स्कोर दे सकते हैं खाली, दूसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, ठीक। इंसर्ट है, ऐड पे क्लिक कर दूं, इसको मैं ऊपर करता हूं, कर दिया ऐड, ठीक। इसको मैं बंद कर देता हूं, ठीक है। अब बुकमार्क में आता हूं, तो होम यहां पे आ गया और यहां पे इंसर्ट है, ठीक है। अब लोकेशन से मैं अरेंज करूंगा तो भी ऐसा ही अरेंज होगा, क्योंकि होम पहले है इंसर्ट बाद में है। ये सॉर्टिंग का है कि नेम से करें, नेम से करोगे तो अल्फाबेट से सॉर्ट कर देगा, ठीक ठीक ना। हिडन कर दूंगा तो ये हो जाएगा। खैर छोड़िए मैं नहीं करता हूं, कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं है मेरे को भी। कैंसिल किया, अब फिर से आ जाऊंगा इंसर्ट के बाद पेज लेआउट पे, ठीक है। इसको भी बना दिया मैं बुकमार्क, PAGE _ स्पेलिंग से क्या पेज लेआउट का गलती है, गलत स्पेलिंग हो जाएगा फिर भी काम करेगा मेरा, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, ठीक। कर दिया, बन गया ना, आप देख लीजिए यहाँ पे 3 बुकमार्क बना है, ठीक है। अभी मैं पेज लेआउट पे हूं ना, होम पे आके गो टू पे क्लिक करूंगा ना तो होम पे पहुंच गया मैं, ठीक। डिलीट पे करूंगा तो डिलीट हो जाएगा बुकमार्क, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैं यहीं पे आऊंगा, ठीक है, और यहां पे क्या कर दूंगा, हाइपरलिंक, ठीक। होम पे आ गए, देखिए अब आ रहा है ना यहाँ पे बुकमार्क, क्लिक कर दिया, अब होम पे क्लिक करूंगा मैं, पहुंच जाऊंगा, ये देखिए आ गया ना होम पे। तो जैसे हेडिंग में इंसर्ट किया था वैसे ही मैं इसमें भी कर दूंगा, ये देखिए इंसर्ट हो गया। पेज लेआउट कंट्रोल के दबाया इंसर्ट, अरे यार मैं गलत कर दिया, एडिट करते हैं, एडिट यहाँ पे मैं कुछ यहां से भी मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, उसमें नहीं हुआ था लेकिन अभी हो जाएगा, ये देखिए ठीक, ये कर दिया मैं, हो गया ना। अब पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो ये पेज लेआउट खुलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये हाइपरलिंक वाला, ठीक है, ये हाइपरलिंक और ये बुकमार्क आप सभी लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं है ये बुकमार्क और हाइपरलिंक, बताइए। अगर हाँ तो मैं आगे चलूंगा, और अगर ना तो फिर मैं बंद कर दूंगा यहां से, या फिर इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा।
तो आप बताइए कि मुझे क्या करना है। समझ में आ गया, आगे चलूं? फिर चुपचाप कुछ तो बोलिए, आगे चलें? समझ में आ गया ये नहीं आया? आ गया? आगे चलें कि चलें? ये क्रॉस रेफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ठीक है। हाइपरलिंक, ये भी हाइपरलिंक के जैसा ही है, ठीक है। मैं हेडिंग और बुकमार्क बनाया था, तो ये देखिए हेडिंग आ गया टोटल, ठीक है, और बुकमार्क भी बनाया था तो टोटल बुकमार्क भी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे वो कर दूंगा इंसर्ट एज अ हाइपरलिंक, ठीक है, इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे देखो हाइपरलिंक आ गया है, ठीक है। इस पे आऊंगा, क्लिक कर दूंगा बुकमार्क, यहाँ पे बोल रहा है बुकमार्क टेक्स्ट, यहाँ पे मैं बुकमार्क टेक्स्ट ही रखा हूँ, ठीक। इंसर्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया मैं, ये देखिए होम इंसर्ट दो बार किया था तो आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल क्लिक करूंगा तो होम खुलेगा, ये कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें ये देखिए ये वाला होम के पास मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा तो होम खुलेगा, लेकिन इंसर्ट के पास कंट्रोल क्लिक करूंगा तो इंसर्ट खुलेगा। दो बार मैं हाइपरलिंक इंसर्ट किया था ना क्रॉस रेफरेंस में जाके, आपने ध्यान दिया होगा, तो ध्यान दिया था आपने, ये देखिए होम के लिए इंसर्ट किया, होम आ गया। अब मैं इंसर्ट के लिए क्लिक कर दूंगा तो इंसर्ट भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे स्पेस बटन दबाया, फिर आता हूं क्रॉस रेफरेंस में। मैं क्या चाह रहा हूं ना कि होम जिस पन्ने पे है वो पेज नंबर भी मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या करूंगा पेज नंबर पे क्लिक कर दूंगा और कर दूंगा इंसर्ट। दो आ गया ना, इस दो नंबर पे भी मैं अगर क्लिक करूंगा ना तो ये देखिए खुल गया होम, ठीक है। मान लीजिए इस होम को मैं डिलीट कर दिया, अब दो बचा है ना, ये दो भी हाइपरलिंक के जैसा हो गया है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हेडिंग किस पन्ने पे है आप चाहेंगे तो इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। और भी आप कर सकते हैं, हेडर फुटर इंड नोट है, हेडर फुटर का नहीं है इसमें, हेडिंग से भी इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर आइटम से भी कर सकते हैं, फुट नोट इंड नोट से भी कर सकते हैं, इक्वेलेशन इक्विजन्स वगैरह से भी कर लेंगे, टेबल से भी हो जाएगा। मैं दो ही बता रहा हूं आपको अभी, बुकमार्क और हेडिंग का ना, लेकिन जैसे हेडिंग और बुकमार्क का मैं इंसर्ट किया हूं वैसे ही आप बाकी का भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। पैराग्राफ नंबर भी मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। एबव बिलो इस पे क्लिक करूंगा तो वो भी आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं होगा, नीचे वगैरह करना पड़ेगा उसका इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो जो बताया हूं वो भी भूल जाएंगे तो मेरे को घाटा हो जाएगा, ठीक है। एक मैं टेबल बनाता हूं, ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में एक बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कि CHEP ये हो गया चैप्टर, ये होगा PAGNO., ठीक। अब यहां पे चैप्टर का नाम आएगा, ठीक है, कर दिया, यहां पे आ गया मैं हाइपरलिंक, नहीं नहीं हाइपरलिंक से नहीं करूंगा मैं, क्रॉस रेफरेंस से करूंगा, ठीक है। इंसर्ट में आया, क्रॉस रेफरेंस, इसको मैं हाइपरलिंक कर रहा हूं, ठीक है। बुकमार्क टेक्स्ट ही मैं रखने दे रहा हूं, इंसर्ट कर दिया, होम आ गया, ठीक है। यहां पे पेज नंबर उसका इंसर्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं बुकमार्क यहां पे इंसर्ट एज अ हाइपरलिंक क्लिक कर रहा हूं, इसलिए वो हाइपरलिंक की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक। अगर मैं इसको अनचेक करके इंसर्ट करूंगा ना तो नहीं होगा, ठीक। करके दिखा देता हूं, एक तो पेज नंबर पे आया, कर दिया इंसर्ट, ठीक। अब करूंगा क्लोज, तो यहां पे मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा ना तो ये ओपन होगा, लेकिन यहां पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये देखिए कुछ नहीं असर पड़ रहा है ना, इस पे उंगली वगैरह का साइन नहीं आ रहा है ना, तो ये हाइपरलिंक इंसर्ट नहीं हुआ है। फिर यहां पे आया क्रॉस रेफरेंस, इसको कर दूंगा इंसर्ट एज अ हाइपरलिंक में, ठीक है। इंसर्ट में आया,
और यहाँ पे कर दूंगा बुकमार्क टेक्स्ट, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वैसे ही आऊंगा, इंसर्ट, ठीक है, पेज नंबर, यहाँ पे इंसर्ट है, हाइपरलिंक में क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, क्लोज किया तो यहाँ पे पेज नंबर 3 आ गया। पेज नंबर 3 पे होगा हाई, इस पे अब मैं क्लिक करूंगा तो पहुंच जाऊंगा मैं इंसर्ट वाले पे, ठीक है, क्लियर। वैसे ही मैं टैब मारूंगा, फिर से आ जाऊंगा यहाँ पे पेज लेआउट में, ठीक है, और यहाँ पे आके कर दूंगा इंसर्ट पे, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस, पेज नंबर, पेज लेआउट, कर दिया इंसर्ट, हो गया ना इंसर्ट। तो यहाँ पे ये चैप्टर का नाम आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक। फॉर्मेटिंग आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब पेज नंबर पे भी क्लिक करूंगा, फिर भी मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है, आ गया, और इस पे क्लिक करूंगा, फिर भी मैं पहुंच ही जाऊंगा यहाँ, ठीक। तो क्रॉस रेफरेंस का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलें, नहीं चलें, चलें, इसको मैं बंद कर देता हूं अब, ठीक। चलिए मैं नया एमएस वर्ड खोलता हूं, आ गया नया एमएस वर्ड, ठीक है। हेडर और फुटर, क्या मतलब है इसका? हेडर और फुटर का मतलब ये है ना, जैसे मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसा शब्द है, ठीक, जो कि डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पन्ने पे, ठीक, मेरे को चाहिए यहाँ पे टॉप में, ठीक, या फिर यहाँ पे नीचे में चाहिए, प्रत्येक पन्ने में चाहिए, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, हेडर फुटर इंसर्ट कर दूंगा। हेडर मतलब टॉप में यहाँ पे, ठीक, फुटर मतलब नीचे, ठीक। डबल क्लिक, इंसर्ट कैसे किया जाता है हेडर फुटर, डबल क्लिक करो ना यार, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और एस्केप बटन दबा दो, ये क्लोज भी हो जाएगा, ठीक, बड़ा आसान है ना। अब मैं कंट्रोल प्लस एंटर 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 दबाया, बन गया 9 पेज। इस पन्ने के भी टॉप में दिख रहा है आपको हेडर, इस पन्ने के भी टॉप में दिख रहा है, इस पन्ने के भी टॉप में दिख रहा है, ठीक है। वैसे फुटर पे आऊंगा, डबल क्लिक मारूंगा, यहां पे आया, डबल क्लिक मारा, यहां पे फुटर में भी कुछ लिख दिया, हो गया जी, यहां से भी मैं क्लोज कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए फुटर में भी आ गया है ना, यहां पे आया मैं, यहां पे भी फुटर पे आ गया है ना, तो यही है हेडर और फुटर, बाकी इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। हेडर फुटर इसमें तो कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, नहीं होगा ना, चलिए नहीं होगा तो बहुत अच्छा बात है। ये तो तरीका था शॉर्टकट बनाने का हेडर और फुटर, ठीक है। इसको मैं सारा टेक्स्ट डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसके आप मार दिया तो हेडर गायब हो गया, ठीक है, और यहां पे आया, इसको भी डिलीट कर दूंगा तो ये फुटर भी गायब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं मेनू में आके देख लेते हैं क्या है। हेडर पे आया, यहां कई तरह का आपका हेडर्स बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये देखिए, ठीक, जैसे ये है डॉक्यूमेंट का टाइटल, आप यहां लिख देंगे और यहां ईयर लिख देंगे तो ये डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पन्ने में यहां पे टाइटल और ईयर होगा, ठीक है। ये देखिए आ गया, अब सारे पन्ने पे ये मिलेगा आपको, ये देखिए मिल रहा है ना। तो ये हेडर फुटर का मतलब यही है। रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा, एडिट करेंगे तो एडिट होने लगेगा, मैं रिमूव कर दूंगा तो रिमूव हो गया, ठीक है। इसको आप सारे को एक बार ट्राई करिएगा मन करता है तो, ठीक है ना। चलिए इसमें कुछ और देख लेते हैं हम लोग, और इसमें क्या क्या है। इस पे मैं डबल क्लिक किया, एक्टिवेट हो गया हेडर, ठीक है।
अब यहाँ पे डिजाइन हेडर एंड फुटर टूल्स में यहाँ पे आ गया डिजाइन विंडो, ठीक है। यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन खुलेगा जो वहां पे खुल रहा था। यहाँ पे आता है पेज नंबर, ये पेज नंबर इंसर्ट करना भी इसी में है, पर मैं इसको बताऊंगा नहीं अभी, इसको इसके बाद हेडर फुटर के बाद में बताऊंगा पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर भी आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के लिए बोल रहा है कि डेट टाइम कैसे आप इंसर्ट करेंगे, इसको भी मैं अभी नहीं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। क्विक पार्ट में जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टी के रिलेटेड यहां बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको मैं अभी बताऊंगा तो शायद आपको कुछ कम समझ में आया ना समझ में आया, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। डॉक्यूमेंट के रिलेटेड में ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, जैसे ऑथर कौन है, किस कैटेगरी में ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। कमेंट कुछ टिप्पणी कर दो, किस कंपनी ने बनाया है, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल वगैरह, जैसे होता है ना कि इस संस्था का डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे किनारे में हर एक पन्ना में ईमेल रहेगा कंपनी का, रहता है ना, कुछ उसी तरह का ये है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर, कोई फोटो आप हेडर फुटर में हेडर में इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कर दो, यहाँ पे वो हर जगह वो दिखाई देगा, ठीक है। ये गो टू फुटर में किया तो फुटर में आ गया, गो टू हेडर करूंगा तो हेडर में आ जाऊंगा, ठीक है। प्रीवियस सिलेक्शन क्या है, ये सेक्शन क्लिक करेंगे तो ये आगे पीछे जाएंगे सेक्शन में। महत्व का ये है देखिए, डिफरेंट पेज, ठीक है, या फिर डिफरेंट ओड एंड इवेज पे इवेंट पेज, यहाँ पे मैं कुछ लिख दूंगा, ठीक है। और क्या होगा, इसको मैं कर दूंगा क्लोज, ठीक है। इस पन्ने पे देखिए नहीं दिख रहा है, ठीक, इस पन्ने पे देखिए दिख रहा है, फिर अगले पन्ने पे यहाँ नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है ना कि मैं कर दिया कि जी ऑड ऑड पन्ना में या इवेंट पन्ने पे होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो पहला पन्ना है ना उसमें जो है कुछ और हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया FIRST, ठीक ना, यहाँ पे कर दिया मैं क्लोज, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट पेज में आ रहा है ना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड पेज में यहाँ पे देखिए कुछ और आ रहा है, ठीक है, बाकी में भी कुछ और आएगा वैसे ही, ठीक है। तो वही है ये, और इसमें कुछ रखा नहीं है। ये देखिए अब क्लोज करूंगा तो ये देखिए अब सारे में आ गया है, ठीक है। तो यही है, बाकी हेडर फुटर में तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेडर फ्रॉम टॉप, टॉप से कितना होना चाहिए, बॉटम से कितना होना चाहिए, ठीक है। ये फुटर का बॉटम से कितना मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब लेफ्ट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह का ऑप्शन है, ठीक है। यही हेडर फुटर में है, बाकी तो मुझे अभी कुछ इतना ही मुझे अभी समझ में आ रहा है, जो याद हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावे आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। इसके अलावे अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो मुझे यही याद आ रहा है, जैसे मैं कुछ भूल गया होऊंगा बताते समय, ठीक है, तो बीच में कभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा, या कुछ याद आएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा यूट्यूब के, ठीक है, मतलब बता दूंगा, ठीक है, किसी तरह से, ठीक है। क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट हेडर में आया, रिमूव कर दिया, फुटर में आया, रिमूव कर दिया, होगा तो रिमूव हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आते हैं पेज नंबर में, ठीक है। अब पेज नंबर में क्या है, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट में कितने पेज नंबर हैं। इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, टॉप पेज में, ये देखिए टॉप पेज में क्लिक किया तो कुछ खुल गया विंडो, यहाँ पे करूंगा तो टॉप के लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे करूंगा तो सेंटर में इंसर्ट होगा, यहाँ पे कर दूंगा तो राइट में इंसर्ट होगा। इस पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है, अभी देखिए आ गया, मैं चौथे पेज पे हूं तो चौथा पेज में आ गया है, ठीक है, क्लिक मारा, ठीक है।
ये देखिए 4 लिख रहा है ना, यहाँ पे ऊपर जाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे 3 लिख रहा है, फिर यहाँ पे 2 लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफरेंट पन्ना में डिफरेंट लिख दिया था तो डिफरेंट आ गया है, ठीक है। इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पेज नंबर, नहीं आया आ गया, मैं डबल क्लिक किया, ठीक है। ये तो हेडर फुटर मेरे को नहीं जाना है, पेज नंबर में आऊंगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे देखे दिखेगा। एक तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस तरह का हो कि टोटल पेज भी दिखाए और यहाँ पे दिखाए कि हम कितने पेज नंबर पे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए आ रहा है ना, यहाँ पे आ गया तीसरा पन्ना, ये आ गया दूसरा पन्ना है और टोटल पन्ना 9 है, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है ना, है नहीं है? और भी नीचे अगर मैं आऊंगा ना तो ये देखिए और भी डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए ऐसा है, ये ब्रैकेट के अंदर दिखा रहा है। आप लोग को दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ये सब? तो आप इन लोगों को ना ट्राई करना, ठीक है। ये देखिए ऐसा इटैलिक में दिखे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से कि इस तरह का इंसर्ट हो, ठीक है, कि ऐसा बड़ा बड़ा इंसर्ट हो कैसा चाहिए। मैं ये कर दूंगा तो ऐसा आ गया, ये देखिए बड़ा बड़ा पन्ना, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर लोगे। बॉटम में पूछ रहा है कि पेज के नीचे नीचे साइड, अभी तो टॉप में इंसर्ट किया है ना, ये कर देगा नीचे में इंसर्ट, ठीक। ये देखिए पेज के नीचे साइड इंसर्ट किया है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा पेज के, ये देखिए नीचे में इंसर्ट कर दिया चौथा पेज, ऊपर में देखिएगा नहीं होगा अभी। ये देखिए क्लोज, दो बार इंसर्ट किया हूं तो दो बार दिखाएगा, ये देखिए नीचे भी दिख रहा है ऊपर भी दिख रहा है, काहे कि मैं दोनों में सेलेक्ट कर लिया ना, ठीक है। यही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे आया, हटाओ, डिलीट, क्लोज, ठीक है। ऊपर वाला गायब हो गया, ठीक है, कहा कि मैं डिलीट मार दिया, और ये वाला है इसको भी यहाँ आऊंगा मार दूंगा ऐसे डिलीट, क्लोज कर दूंगा इसको, तो ये नीचे वाला भी गायब हो जाएगा, ठीक है, ठीक ना। तो यही है पेज नंबर, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। फिर है उसके बाद मार्जिन, मार्जिन कितना होगा पेज नंबर जो इंसर्ट किए हैं। फिर उसके बाद होगा करंट पोजीशन, ये ठीक है। देखते हैं यहाँ पे है ना रिमूव पेज नंबर्स, इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो सारा पेज नंबर रिमूव हो जाएगा जो इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। पेज नंबर फॉर्मेट को देख लेते हैं, ठीक है, इसमें आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, पेज नंबर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, 1-2-3 या ऐसा होना चाहिए, या फिर ABCD में होना चाहिए, या फिर कैपिटल ABCD, या फिर रोमन, या फिर ऐसा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ए वाला हो, ठीक, ओके कर दिया ना। तो ये देखिए इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ जी, ये तो हो भी नहीं किया लग रहा है। हुआ क्यों नहीं जी, क्योंकि हमने यहाँ से मैं टॉप में कर ले रहा हूँ। अब देखिए अब इंसर्ट किया तो आ गया ना, ये देखिए यहाँ पे 2 आया है। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना ये नंबर, नहीं दे रहा है? पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? ये देखिए 2 आया है, ठीक है। इसको और भी मैं स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए पेज नंबर ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ये पेज दिख रहा है ना किनारे, तो पेज नंबर ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मेट है, क्या पेज नंबर आपको चाहिए, ठीक है। तो इस पे फिर से मैं आया, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो पेज नंबर है सारा एक एक बार ABCD कर देंगे तो ABCD आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूड चैप्टर्स नंबर, तो चैप्टर का जो बताया था ना मैं, चैप्टर वगैरह वही चैप्टर है, पर मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन या स्टार्ट एट, ठीक। कंटिन्यू क्या करो, प्रीवियस जो था, या फिर स्टार्ट एट मतलब
आप बता दो मुझे कि मैं गिनना कहां से शुरू कर दूं, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, गिनना स्टार्ट करो यहां से, ऊपर आया ये देखो चार लिख दिया ना यहां पे, और मैं क्लिक कर देता हूं ओके, ठीक। तो ये वन से नहीं गिनेगा, अब गिनेगा चार से, देखो चार आ गया, ठीक है। नीचे आऊंगा तो पांच गिनेगा, छह गिनेगा, ठीक है। तो बेवकूफ बनाने के लिए आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। रहेगा दसे पन्ना, लेकिन इंसर्ट कर देना नब्बे से, आखिरी दिखा देना, देख भाई सौ पन्ना है, ठीक है, तो हो जाएगा सौ पन्ना, ठीक। लेकिन पतला दिखेगा तो समझ जाएगा फिर ऐसा, लेकिन करना मत, ठीक ना। तो ये क्लियर। आगे आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स कहीं इंसर्ट करना है, मैं ड्रॉ टेक्स्ट पे आता हूं, ये सब बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आऊंगा, यहां पे आऊंगा और यहां पे मैं कुछ लिख दूंगा। ये टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका फॉर्मेटिंग सभी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक। क्यों क्यों नहीं बता रहा हूं, क्या कारण है? इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं कि मैं ये फॉर्मेटिंग आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। कब बताया आपको, याद है मैं कब बताया? नहीं बताया। इसका फॉर्मेटिंग बता रहा था मैं सैप का, तो इन सब का जब फॉर्मेटिंग में बता रहा था ना, उसी समय पे फॉर्मेटिंग में बताया था। अब जैसे आप इसमें फॉर्मेटिंग करते थे, सेम फॉर्मेटिंग आप इसका वैसे ही कर लोगे, ठीक। टेक्स्ट का डायरेक्शन आप बदल सकते हो, ये देख लो ऐसे, ये ब्लैक आप लोग को दिख भी रहा है? नहीं दिख रहा होगा सर, अब दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब टेक्स्ट का डायरेक्शन आप ऐसे बदल सकते हो, ठीक है। बाकी ड्रॉ हो सकता है, लाइनिंग का स्पेसिस वगैरह, बाकी दुनिया भर का जो है ना, ये सब आप यहाँ से लाइनिंग का, मोर लाइंस पे जाएंगे तो और ज्यादा लाइंस वगैरह आ जाएगा, फिल है, कलर इफेक्ट है, बाकी बाकी बहुत सारा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बता नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है। बताने का जरूरत तो नहीं है ना इसको, है जरूरत? मुझे तो नहीं लग रहा है कि जरूरत है, नहीं है ना, है नहीं है? अगर जरूरत होता है ना आप लोग, तो पिछला आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग होगा तो, ठीक है। क्या कि अब मैं इसमें अगर घुस जाऊंगा तो आधे घंटे तो पक्का है जाना है किसी कीमत पे, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आधे घंटे बर्बाद कर दूं, ठीक है। उस आधे घंटे में मैं इधर जो है उन सबको बता देता हूँ, ठीक है। फिर आता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट वही वाला है जो उधर मैं छोड़ा था एडर कूटर में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी वगैरह है डॉक्यूमेंट का, कुछ फील्ड्स वगैरह, मैं बता नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है। वैसे उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, यूजफुल तो होता नहीं है ये, ठीक है। एक्सेप्शन एक एस पे यूज होता है, ठीक है। तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। अब बता रहा हूँ मैं वर्ड आर्ट आपको, ठीक है। वर्ड आर्ट में आ जाइए, यहाँ पे कई तरह से डिजाइन डिजाइन में जो है लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको ले लेता हूं, तो ये बोल रहा है योर टेक्स्ट हेयर, मैं अपना नाम लिख देता हूं, ये मेरा टेक्स्ट है, बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, जवन मन करे वो कर लो, ठीक है। यहाँ कुछ फॉन्ट वगैरह बदल लो आप, ठीक है। टिड़गा टिड़गी, सीधा उल्टा, जैसे मन करे लिख लो, ठीक है। जो मन करे वो कर लो, ठीक है। मैं ऐसा ही रहने देता हूं, कर दूंगा ओके, ठीक। तो ये जो है इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कहीं ले जा रहा हूं तो ये जाता ही नहीं है जी, क्या करूंगा जी। यहां पे आऊंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, किसी पे भी क्लिक कर दूंगा तो ये मूव होने ही लगेगा इधर उधर आगे पीछे, ठीक है। कहीं भी मैं क्लिक कर दूंगा तो, ठीक है, इस पे भी क्लिक कर दूंगा तो मूव होगा आगे पीछे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब वही है जो इसमें लिखा हुआ है या फिर जो फोटोग्राफ्स में आप जैसा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वैसा ही है, ठीक ना। इन सब का मतलब, ये यूजफुल चीज है। फोटो में तो मैं बताया था शायद इसके बारे में, तो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है।
राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट करूंगा, तो इसमें मैं कुछ बदलाव कर सकता हूं। ठीक है, कुछ लिख सकता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख देता हूं, मन कर रहा है मेरा, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक, ऐसा ही रहने दिया। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मेट्स है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्ड आर टूल आएगा, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट आ जाएगा, एडिट टेक्स्ट में भी एडिट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस वेरी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, ये स्पेसिंग वगैरह के लिए है। ठीक है, लूजली करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पे कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ ना, होने के लिए तो होगा जी, लेकिन हम लोगों को पता चलेगा आगे। ठीक है, इवन हाइट्स, ये देख लो ऐसा हाइट है। ठीक है, ये वर्टिकल टेक्स्ट तो ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, अलाइनमेंट है ये, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर करूंगा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, जिधर करूंगा उधर हो जाएगा। ठीक ना, हो जाएगा ना, नहीं होगा बोलिए, यहाँ तो कुछ फर्क में दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए जी, दिखाई देना चाहिए, चलिए मैं बाद में थोड़ी देर में बता दूंगा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, बाकी और भी इसमें है। ठीक है, इन सब को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ है। आप लोग देखे रोड पे चौराहे पे पोस्टर बैनर लगाया रहता है कि इसका वैकेंसी आ गया, फॉर्म भरे, इस तरह का कुछ लगाता है ना, वो इधर ही से बनाता है ऐसे ही। ये देखिए बहुत सारे फॉर्मेट टाइप्स हैं, इसी को मैं लगा छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये देखिए बन गया सेफ फिल, इस पे मैं आऊंगा तो ये देखिए ऐसा हो रहा है ना, कलर वगैरह का है। ठीक है, नो फिल में कर दूंगा तो ऐसा आएगा। ठीक, ये देखिए आ रहा है टोटल, ये यहां जो है ना उसका कलर है। ठीक, ग्रेडियंट में जाएंगे तो इस तरह का भी आ जाएगा। ठीक है, इसका भी जो है फॉर्मेटिंग वैसे ही होगा जैसे आप सैप वगैरह का करते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए आ रहा है ना, इस पर मैं क्लिक कर दिया तो देखिए ऐसा हो गया। ठीक है, पिक्चर पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, और आ जाऊंगा यहाँ पे पिक्चर पे, सेव पिक्चर, इसमें तो कुछ नहीं है, कैमरा रोल इसमें भी कुछ नहीं है, क्या मेरे कंप्यूटर में फोटो ही नहीं है, मालूम नहीं है कि नहीं है, मेरे कंप्यूटर में शायद फोटो नहीं है। ठीक है, होता तो मैं दिखा देता, होता तो क्या होता, इसमें फोटो लग जाता। ठीक है, इसमें फोटो लग जाता, मेरे में है नहीं तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर सिलेक्ट करेंगे तो फोटो लग जाएगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसा ही आएगा। ठीक है, ठीक ना, आ रहा है ना ये पूरा, मोर पे क्लिक करेंगे तो मोर आ जाएगा। ठीक है, और इस पे और अदर टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फोटो इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट भी यहाँ पे कुछ अपने से आप भी बना लो ना ग्रेडियंट, क्या दिक्कत है। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग सैप का आप लोग करते थे वही फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आप ऐसे भी आप बना लोगे। ठीक है, इसमें से कौन सा चाहिए वो भी ले सकते हो, इसमें चार ठो है, यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है कि अप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए मेरे को ये चाहिए, इस पर क्लिक करके ओके कर दिया तो हो गया। ठीक है, पैटर्न, ये पैटर्न को आप खुद से भी बना सकते हैं, ये तो मैं बता ही दिया था पहले भी, इसको ब्लैक कर दिया तो ये देखिए ऐसा हो गया, इसको वाइट कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अब ये ईंटा मैं लगा दूंगा तो ईंट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिक्चर है, पिक्चर पे आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो पिक्चर आप अगर सेलेक्ट कर लोगे ना यहाँ से,
तो इसमें फोटो लगेगा यहाँ से, ठीक। तो ये पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ से फोटो लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा फास्टली आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और इसका कारण ये है ना कि मैं स्वैप में आप लोगों को बता दिया हूँ टोटली ये चीजें फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है अब यहाँ पे कुछ आकृति वगैरह है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस पे मैं क्लिक किया और ठीक है, और इसको पकड़ के खींच रहा हूँ ऐसे और घूम जाएगा ये, इसको चाहूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ के नीचे लाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला, ये नीचे, ठीक है। इसको पकड़ के और खींचूंगा मैं इधर तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आप कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट भी हैं, ठीक है। हैंग हो रहे हैं मेरे कंप्यूटर्स, ठीक है। मोर शैडो पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। मैं ब्लैक कर दिया शैडो, ठीक। अब इस पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो शैडो कितना बड़ा होना चाहिए वो फैसला हो रहा है यहाँ पे, नीचे होना चाहिए ऊपर होना चाहिए इसका परछाई, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग कर लोगे, ऐसा मैं कर दूंगा तो इस तरह का डब्बा डब्बी बनेगा, ठीक है, 3D में। इस पे मैं क्लिक कर दिया तो ऐसा बन गया, ठीक है। कलर ये देख लो, पहले हम इसको एडिटिंग कर रहे थे ना, अब इस पे आ गए हम, इसको एडिटिंग अब कर रहे हैं। ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो सारा एडिटिंग पॉसिबल है, ठीक है। फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। 36 पे क्लिक कर दूंगा तो कम होगा, ठीक है। इस पे मैं जितना ज्यादा डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा उतना होगा, ये देख लीजिए आप, ऐसा ऐसा, ठीक है। स्क्वायर शेप ऐसा सॉलिड होगा कि ये होगा, सॉलिड पे क्लिक कर दूंगा तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर दूंगा तो वायर फ्रेम मैं ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब लोग तो आप लोग कर लोगे ना, ये सब चीज नहीं होगा। ये भी यहाँ पे कुछ लाइटिंग इफेक्ट वगैरह के बारे में बता रहा है, लेकिन इसको कर दो ऐसे, फिर वो लाइटिंग इफेक्ट वगैरह पे जाने का, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये समझ में तो आ गया होगा शायद, मुझे लग रहा है आ गया है, नहीं आया है, आ गया है ना। कुछ बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको आ गया है, ठीक है। और नहीं बोलोगे आप लोग तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं यही समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन है कुछ, ये देख लीजिए, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर जा रहा है ना, इसीलिए ये घूमता रोटेट वगैरह होता है। ये देखिए हो रहा था, मैं क्लिक किया था तो ये देखिए, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसको जैसे मैं रोटेट करूंगा ना यहाँ से, वैसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। यही सब है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। ये सेंड बैक, टेक्स्ट रैपिंग, ये सब जो सैप में मैं बताया था ना, सब कुछ वही है। आपको सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट बैक स्पेस दबा दिया सेलेक्ट करके तो खत्म हो गया। ये आता है ड्रॉप कर, ठीक। कितना समय हो गया, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आधे घंटे, ठीक है। जैसे इतने रहने दूं कि आगे बता दूं, या जरूरत नहीं है इतने आप प्रैक्टिस करेंगे, फैसला आप लोगों को करना है। मैं कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखे होंगे कि पेपर वगैरह में पहला जो लेटर्स होता है
वो बड़ा होता है राइट, देखे है ना। तो उसको कैसे बनाया जाता है वो ये देख लीजिए, यहाँ पे ड्रॉप कैप। ठीक, मैं भूल गया था बताना कि एग्जाम में भी कुछ पूछा जाता है या नहीं। ड्रॉप कैप को देखा तो मुझे याद आ गया, ठीक है, ये सब में भी पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मैं भूल गया था बताना। ठीक है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अब दोबारा मैं रिवर्स जाऊंगा तो मुझे थोड़ा समय और ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, तो मैं लिख वगैरह के बता दूंगा, मुझे याद रहता है। तो एक चीज पूछेगा, ठीक है, कि बड़ा लेटर लिखना है तो कैसे लिखें, तो बोल देना ड्रॉप कैप से लिखें, ठीक है। फिर पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप कितना लेटर्स में होता है, मतलब कितने लाइन में ड्रॉप कैप होता है बाय डिफॉल्ट, तो इस पे मैं आके क्लिक कर दूंगा, ठीक है, क्लिक, ये देख लो बाय डिफॉल्ट ये तीन लाइन है, ठीक है, तीन लाइन का ये बड़ा वाला आ गया, ठीक है, और बाकी सब ऐसे आ गए, ठीक है। तो यही है ड्रॉप कैप, इन मार्जिन कर दूंगा तो ऐसा आएगा। यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन है कुछ, ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक, चाहो तो इसमें खुद चॉइस कर लो कि कितने लाइंस चाहिए, ठीक है। मैं 5 लाइन कर लिया, टेक्स्ट का डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का डिस्टेंस कुछ हो जाए, तो क्लिक कर दिया तो टेक्स्ट का डिस्टेंस और मेरा ड्रॉप कैप का डिस्टेंस दूर दूर हो गया, ठीक है। तो ड्रॉप कैप का यही है मतलब यूजेस, बाकी कुछ है नहीं यूजेस, ठीक है। ओके किया, ये देखिए आ गया, ठीक है, डिस्टेंस जो है मैं 0 कर देता हूँ, ये देखिए तो सामने आ गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन का ड्रॉप कैप होता है, ये 4 लाइन में देखिए आ गया, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप ऐसा सिलेक्ट किया हूँ और इसको ड्रॉप कैप लिया हूँ और यहाँ लाइन में 4 लिखा हूँ, इसलिए 4 में आ गया। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन रहता है, इन मार्जिन में अगर क्लिक कर दूंगा तो टोटल में ड्रॉप कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप कैप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे, समझ गए, कुछ कहो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया, आ गया समझ में, आगे चलें। एक कुछ सिग्नेचर वगैरह के बारे में है, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा हूं अभी। ये है डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का, ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। इसका कुछ शॉर्टकट बटन भी है, ऑल्ट शिफ्ट, अगर मैं डी दबाता हूं तो डेट इंसर्ट हो जाएगा और ऑल्ट शिफ्ट टी दबाऊंगा तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक, लेकिन ये सही टाइम नहीं होता है, तो क्या गलत होता है, नहीं गलत भी नहीं होता है, तब क्या दोनों के बीच वाला होता है, बीच वाला तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में जो होगा वही यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक, समझ गए आप लोग, ठीक है जी, आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप इंसर्ट करना चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में कि इस फॉर्मेट में, ठीक है, तो जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो अपडेट ऑटोमेटिकली, ठीक, इसका क्या मतलब है, मैं अभी इंसर्ट किया डेट टाइम, ठीक है, लिखना शुरू कर दिया, फिर जब जब मैं सेव करूंगा तो वो डेट टाइम अपने आप अपडेट कर देगा, यही है ऑटो अपडेट का फीचर, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक, कुछ टाइप इंसर्ट कर देना डॉक्यूमेंट में, कुछ टाइप करना, फिर सेव कर देना, ठीक, और उसके बाद दूसरा एमएस वर्ड ओपन करना, फिर डॉक्यूमेंट जब में जब इंसर्ट करने लगना डेट टाइम तो क्लिक कर देना अपडेट ऑटोमेटिकली, फिर डॉक्यूमेंट में डेट टाइम इंसर्ट कर देना, 10 मिनट टाइप करना, फिर सेव कर देना, फिर ये देखना
कि जब आपने डेट टाइम इंसर्ट किया था वही डेट टाइम सेव करते समय रहता है या फिर सेव करते समय का डेट टाइम हो जाता है अपडेट हो करके। ठीक, तो इतना आप लोगों को उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा। क्यों समझ में आ गया, इतना नहीं आया? फिर चुपचाप, लगता है चुप रहने का बीमारी तो नहीं हो गया है। अब पैसे से तो मैं डॉक्टर हूं नहीं। ठीक है, तो आगे चले जी? नहीं चले? चले, चलिए चलते हैं। अब आगे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कुछ एमएस ऑफिस क्या, एमएस वर्ड क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना। ठीक, तो मतलब ऑब्जेक्ट का ये है कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया फाइल को आप अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट का मतलब। ठीक, ऑब्जेक्ट माने कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी इंसर्ट कर दो। ठीक, जैसे यहां पे ये पीडीएफ फाइल है। ठीक, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट में आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्लिक किया। ठीक है, नीचे आऊंगा। ठीक है नहीं है ये पीडीएफ तो मेरे को मिल ही नहीं रहा है जी। डिस्प्ले आइकन कर दूंगा तो सबका आइकन भी दिखाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक ना, ये देखिए पीडीएफ का तो मेरे को दिखा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं इंसर्ट होता है या नहीं। ऑब्जेक्ट के रूप में ये इंसर्ट होगा और क्या, तो कुछ और ही बन गया जी। ऐसा बन गया है तो मजा नहीं आया। ठीक है, हैंग भी हो गया ये, डिलीट कर देता हूँ। पीडीएफ का ऑप्शन तो था नहीं, हम जबरदस्ती कर दिए इंसर्ट। ऑब्जेक्ट बिट मैप इमेज, मतलब ये कि मैं पेंटिंग से बनाया। ठीक है, पेंटिंग होता है ना, एक PAINT, पेंट से मैं कुछ बनाया हूँ, कुछ फोटो, और उस यहाँ से ऐसे उस फोटो को मैं एमएस वर्ड में डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे डालूंगा, यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आऊंगा और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नाम है, मैं इसमें क्लिक किया, कर दिया ओके। ठीक, अब ये खोल दिया पेंटिंग। अब इस पेंटिंग में मैं पहले से कॉपी पेस्ट किया रहूंगा। ठीक है, तो ये देखिए कॉपी मैं किया था जो यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, जेड मारा, यहाँ पे मैं कुछ भी जो है ये कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग करके मैं ऐसे बना दूंगा फोटो। ठीक है, इसको कर दूंगा क्लोज। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करूंगा, ये फिर से पेंटिंग में खोल देगा सॉफ्टवेयर को, ये फोटो को। फिर से यहाँ कुछ बदलाव करके ऐसे करूंगा, ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसको कहीं ले जाना है खींच उच के, तो यहाँ पे आ जाइए, पोजिशन किसी में भी क्लिक कर दूंगा मैं, आ जाऊंगा नीचे, आ गया नीचे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आया, ये माइक्रोसॉफ्ट इक्विजन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इस पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं। ठीक है, और खुलने लगा या भी कुछ। ठीक है, अब यहां पे ये खुल गया कुछ इस तरह का चार्ट। ठीक है, आप लोग एक काम करिएगा, इसको मैं ठीक से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, मैं अगर रहा तो मैं कर दूंगा, नहीं मैं नहीं रहेगा रहूंगा मैं। ठीक है, तो मैडम रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन पेपर आप अरेंज कर लेना, दसवीं का, बारहवीं का या ग्यारहवीं का, जिसमें घात हो, मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। ठीक, जैसे ग्यारहवीं बारहवीं का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिएगा। ठीक है,
और उस क्वेश्चन पेपर को ले लाइएगा यहाँ, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर को आप बनाइएगा खुद से, या फिर मैडम रहेंगे तो मैडम को बोलिएगा कि बनाओ, मैं रहूंगा तो मैं दिखाई दूंगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर को आप जब बनाओगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जरूरत क्या। तो यहाँ पे जैसे मैथ वगैरह का कुछ बनाना है तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मैं लिख दूंगा, स्क्वायर वगैरह देना है तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब मैं इसमें क्या डमी डेटा कुछ भी लिख दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मोटा मोटी बता दूं कि मैथमेटिक्स कुछ लिखना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दिया, ये आ गया मैथमेटिक्स इक्वेशन, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। अपडेट क्लिक किया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद वही खुलेगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट से मैथमेटिक्स वगैरह इसमें बनता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का आगे भी पड़ेगा अभी। ये है माइक्रोसॉफ्ट, इस पर क्लिक कर दूं तो आइकन दिखेगा, ये देखिए ग्राफ वगैरह है, ग्राफ चाहे तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक किया, एक ग्राफ इंसर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप डेटा डालेंगे और यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्लोज करूंगा, यहाँ पे ग्राफ का आइकन आ जाएगा, ठीक है। इसको मेरे को देखना है, डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे दिख जाएगा कि ये ग्राफ है, ये है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट ऐसा ही होता है, ठीक है, कि दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया हुआ डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, उसमें डबल क्लिक करोगे तो उसी सॉफ्टवेयर से वो ओपन कर देगा, ठीक है। उसके बाद इस पे आइकन, ये देखिए यहाँ पे एक्सेल सीट भी इंसर्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो एक्सेल सीट आ जाएगा, ये देखिए आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कुछ क्लिक के कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा, क्लिक कर दिया कैंसल। इस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ये एक्सेल सीट ओपन हो गया, देखो, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, ठीक है। तो ये समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट जो है बनाया हुआ है, ठीक है। जैसा मैं दो तीन ठो भी इंसर्ट किया ना, ठीक उसी तरह से बाकी भी जो है, बाकी फाइल्स भी इंसर्ट होंगे। आप करके देखना, आप लोग करके देखते नहीं हो मेरे जाने के बाद, ठीक है। तो करके देखना, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कंट्रोल ए मैं किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा, अरे कंट्रोल ए नहीं, कंट्रोल एन किया था, ठीक है। कॉपी पेस्ट करता हूँ अब मैं, ठीक है, ऐसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इंसर्ट हो गया ये, ठीक। सेव कर देता हूं इसको, डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं, DOC1 नाम से, ठीक। फिर से सेव एज किया, सेव एज और सेव और सेव एज में अंतर तो मैं बताया था ना, यहां पे DOC2 कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं बंद कर देता हूं इसको, ठीक है। तो DOC1 DOC2 नाम से दो ठो डॉक्यूमेंट बन गया ना, ये बन गया है। तो यहां मैं दो ही बनाया हूं डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपके पास चार पांच ठो डॉक्यूमेंट का फाइल है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि बस सबको एक में कर लो, तो क्या करोगे आप, टेक्निक इस्तेमाल कर ले, कॉपी पेस्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मजा नहीं आएगा कॉपी पेस्ट करने में, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट से कर लोगे आप, इंसर्ट में आके ऑब्जेक्ट में आना, मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया, कंट्रोल दबा के मैं दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ये टोटल इसमें आ गया ना, ये टोटल ही इसमें आया है, ठीक है। इस तरह से आप दो ठो फाइल को मर्ज भी कर सकते हो, तो आप इसको ये भी कह लो कि हम दो तीन ठो एमएस वर्ड फाइल को मर्ज कर दिए, पर इसका सच्चाई ये है कि ये मर्ज नहीं हुआ, बल्कि दोनों फाइल का डेटा लाया और फिर तीसरा फाइल बना के उसमें डाल दिया। अब इस फाइल को सेव करना है तो आप कंट्रोल एस दबा के यहाँ पे कुछ भी नाम दे करके सेव कर सकते हो, ठीक। तो ये तो आसान है, बन जाएगा ना,
नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलिए ये खत्म, यहां तक ये वाला सेक्शन खत्म हो गया ना। किसी को कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन नहीं है? है, चलिए होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं होगा तो खुशी का बात है। हेड आउट नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे इक्वेशन में, इक्वेशन या जो पढ़ाए इस पे मैं क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आ गया कुछ ऑप्शन ऐसा, और फिर यहाँ पे ढेर सारा सिंबल आ गया। ठीक है, जो सिंबल चाहिए यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स वगैरह भी यहाँ से बनते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह यहाँ से जो है पूरा बनता है। ठीक है, मैथ का वही जो बोल रहा था मैं, मैथ वगैरह बनाना है ना, तो यहीं से आप बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, यहाँ पे कुछ लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, फिर से ये वाला चाहिए तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, इस पे मैं आ जाऊंगा, फिर यहाँ पे कुछ लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे मैथ यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चीजें यहाँ पे है, ब्रैकेट्स वगैरह, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वगैरह बनता है। ठीक है, तो आप जुगाड़ करना मैथ का एक क्वेश्चन पेपर और लेके आ जाना। ठीक, यहाँ से उठा लेना जो सिंबल चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे तो और भी सिंबल खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, दुनिया भर का चीज है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी मैट्रिक्स वगैरह ऐसा। ठीक है, तो ये समझ में तो आ रहा है ना। चलिए ये देखिए, इसमें क्लिक करूंगा तो सीधा वही उठ के आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ बने बनाए इक्वेशन है, अब जो पढ़ाएंगे, मैं तो इक्वेशन पढ़ रहा हूँ, इस पे क्लिक कर दूंगा तो यही यहाँ पे आ गया उठ के। ऐसे मैं करूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे आया, इस पे क्लिक कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको आप एडिट कर लो, ठीक है, जैसे मन करे। ठीक है, ना मन करे तो मत करिए एडिट। ठीक है, तो ये मैथ वगैरह का यहाँ से काम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना पड़ गया तो कैसे बनाओगे आप, तो ऐसे बना लोगे। ठीक है, मैथ का एक तो आप क्वेश्चन पेपर जुगाड़ करना फिर आना। ठीक, और जुगाड़ नहीं करोगे तो क्या होगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं जी, होगा ये कि आप लोग सीख नहीं पाओगे। क्या सर? ठीक है, जैसा हो, बस मेरे को गणित का चार पांच क्वेश्चन पेपर से, चार पांच क्वेश्चन से मतलब है, जो कठिन हो थोड़ा, आसान नहीं लाना। ठीक, ठीक है, आसान काम सब लोग कर लेते हैं, कठिन वाला को लाना। ठीक है, मैं अब आऊंगा यहां पे, सिंबल दिख रहा है, यहां पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऑल्ट इक्वल टू इसका शॉर्टकट बटन है। ठीक, और ये आ जाएगा। ठीक, इंसर्ट यहां पे आया, इंसर्ट न्यू इक्वेशन या जो पढ़ाए, यहां पे क्लिक करूंगा तब वो यही खुलेगा। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स वगैरह के लिए। ठीक है, आप लेके आना तभी मैं इसको बता पाऊंगा, मैं कोई प्लानिंग करके तो आता नहीं हूँ, मुझे रेंडम आना पड़ता है। ठीक है, मैडम नहीं आती है तो मुझे इधर रेंडम आना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे है सिंबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ही स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सिंबल वाले में जो आपके कीबोर्ड्स में नहीं है। ठीक, तो आप यहां से जो है इंसर्ट कर सकते हो। ठीक, जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आ जाएगा, जैसे कॉपीराइट का चिन्ह है। ठीक है, ये तो ऐसे भी बन जाता है, मालूम कैसे, ऐसे ये सी ऐसे ऐसे करोगे तो अपने आप बन जाएगा ये कॉपीराइट। ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स वगैरह इसके आते हैं। ठीक है, और मोर सिंबल में जाएंगे तो और भी सिंबल आ जाएगा, ये देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स चिन्ह। ठीक है, यहां से आप इसको बदलेंगे तो और अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ रहा है ना अलग अलग। ठीक, चलिए तो ये क्लियर है।
यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपीराइट बनेगा, ठीक है। आप ये सबको देख लेना आप, ठीक है, कौन सा साइन किससे आएगा। जैसे मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट सी दबा रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट सी बन गया ना। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप खुद का भी शॉर्टकट बना लेना यार, यहाँ से बन जाता है, ठीक है। इस पे आया मैं, इसको चाहूं तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल विंडोज, ठीक, इसमें क्लिक किया, कर दिया असाइन, ठीक है। अब कंट्रोल विंडोज दबाऊंगा तो भी आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल विंडोज देखो दबाया तो आ गया ना। तो आप खुद का भी शॉर्टकट इस तरह से बना सकते हो, लेकिन आप खुद का शॉर्टकट बटन बनाना मत। तब क्या करें, आप उसी का शॉर्टकट बटन खुद का बनाना जो आप कस्टम ऑटो करेक्ट बनाओगे, ठीक है। ऑटो करेक्ट है यहाँ पे, ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट होता है, ठीक है, जिसको मैं अभी बता दूं कि बाद में बताऊंगा, अभी बता दूं, ठीक है, अभी बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट वगैरह भी बदल सकते हो ऐसे, ठीक है, तो इंसर्ट कर लो। अच्छा, एक चीज मैं बोल रहा था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फॉन्ट आपने हिंदी का कर दिया है, मेरे में हिंदी का फॉन्ट ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। कुछ होता है ना कि ऐसा स्पेशल कैरेक्टर हिंदी का जो कि मिलता नहीं है चार्ट वगैरह में, आप जो चार्ट से टाइपिंग करते हो नहीं मिलता है ना उसमें, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी का फॉन्ट सिलेक्ट करोगे, आओगे यहाँ पे सिंबल में, मोर सिंबल में, यहाँ पे पूरा हिंदी वाला दिखाई देगा पूरा, ठीक है। तो ऐसे आप कर लोगे, ठीक, हिंदी का सिंबल से जाकर के इंसर्ट कर लेना, ठीक है। वैसे तो शॉर्टकट बटन भी आता है, ऑल्ट जीरो करके करते हैं, ठीक है, बट मैं तो अभी बता नहीं रहा हूं उसको, ठीक है, वो मैडम बता देंगे, ठीक है। तो सिंबल समझ में आ गया, इस पे आऊंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, फिर भी इस पे डबल क्लिक करूंगा, फिर भी इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो गया ना यहाँ पे, तो इंसर्ट कर लेंगे आप इस तरह से, ठीक है, हो जाएगा ना, नहीं होगा। अब आते हैं ऑटो करेक्ट, इंसर्ट में आइएगा आप, यहाँ पे फिर सिंबल्स में, फिर यहाँ पे सिंबल्स, यहाँ पे है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए सी ओ एल ओ आर, स्पेस मारा कुछ नहीं हुआ, सी ओ एल आर, ठीक है, ये मान लो मैं मेरा आदत है कि मैं कलर का स्पेलिंग ऐसा ही लिखता हूं, या फिर सी ओ एल ए आर, ऐसा मैं कलर का स्पेलिंग लिखता हूं, ठीक, या फिर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं कलर, ठीक, ये ऐसा मैं कलर का स्पेलिंग लिखता हूं, मुझे मैं स्पेलिंग नहीं मालूम, मेरे को याद भी नहीं करना है, मेरे को आदत अपना है, नहीं सुधारना है, ठीक, मैं कलर का स्पेलिंग ऐसा ही लिखता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस तरह का मैं अगर कलर लिखूं तो अपने आप क्या हो जाए, वो सी ओ एल ओ आर हो जाए, ठीक, या फिर ए, क्या बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा है, ब्रिटिश इंग्लिश में सी ओ एल ओ यू आर ऐसा भी है, ठीक है, तो यू को बोलते हैं कि अब हट गया है, ठीक है, तो सी ओ एल ओ आर है, ठीक है, स्पेलिंग दोनों सही ही है, ठीक है, शब्दों में मैं नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। तो या तो ऐसा लिखा जाए, या तो ऐसा लिखा जाए कलर, ठीक, मैं ऐसा लिखूं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट, मतलब मैं कुछ भी लिखूं या गलती लिख दूं अपने से, वो अपने आप जो है करेक्ट कर दे, ठीक, जो अपने आप करे वो अपने आप जो करेक्ट बना दे, उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। ऑटो करेक्ट में मैं आऊंगा, यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सी ए एल ए आर, ठीक। अब इसको रिप्लेस क्या में करना है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में क्लिक किया, यहां पे आया, इसको हटाया, लिख देता हूं सी ओ एल ओ आर, ठीक, आर नहीं लिखाया, आर, ठीक,
ऐड में मैं क्लिक कर दिया। ठीक, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूज सजेशंस फ्रॉम द स्पेलिंग चेकर, अगर इसमें मैं चेक रखूंगा तो सजेशंस आएगा, चेक नहीं रखूंगा तो सजेशंस नहीं आएगा। ठीक, ओके मैं क्लिक कर दिया, ठीक क्लोज कर दिया। अब क्या करूंगा, COCALLAR, ठीक LAR, इस अभी गलती लिखाया है ना, स्पेस दबाया तो सही हो गया, कंट्रोल जेड करके गलती ये कर दिया। ठीक, अब सजेशन का क्या मतलब था, ये गलती बता रहा है ना, राइट क्लिक किया तो ये बता रहा है ऐसा, ये जो है ना इसको बोलते हैं सजेशन। ठीक, तो यही है सजेशन, मैं कर दूंगा ऑटो करेक्ट। ठीक है, यहां से ऑटो करेक्ट वगैरह का बहुत सारा ऑप्शन है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ऑटो करेक्ट आ जाएगा। CALA, ये देखो आ गया। ठीक है, मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, CALAR स्पेस, अब नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है जी, डिलीट कर दिया ना, तो यही है ऑटो करेक्ट। ठीक, तो उम्मीद है मुझे कि ऑटो करेक्ट में आप लोगों को दिक्कत नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ सिंबल्स का भी है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे ये सिंबल चाहिए तो, और क्लिक करोगे शॉर्टकट की, ये देखो ये आ गया, यहाँ पे शॉर्टकट की आप खुद का बना लो, जो टाइप करना है कंट्रोल कंट्रोल दबा के, जैसे मैं कंट्रोल एफ बी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, असाइन पे क्लिक कर दूंगा तो असाइन हो जाएगा, और शॉर्टकट की मारूंगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बड़ा आसान है करना, आप लोग कर ही लोगे, ज्ञानी आदमी हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है, शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन। ठीक है, फिर ये सब बहुत सारा है। ठीक है, करेक्ट एडिशनल यूज ऑफ कैप लॉक की, कैप लॉक है तो उसको करें या ना करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है इतना तक सबको, मुझे लगता है कि शायद इंसर्ट मेनू पूरा खत्म हो गया। ठीक है, कुछ चीजें छूटा होगा, आप लोगों को लगता है कि छूट गया होगा तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, मुझे लगेगा कि मैं कुछ चीजें भूल गया हूँ बताना तो बता दूंगा मैं। ठीक है, बाकी कुछ पूछोगे और तो पूछ लो, अन्यथा इंसर्ट मेनू तो खत्म हो गया मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ डाउट्स, किसी को कोई तकलीफ कोई दिक्कत तो पूछ लो, है नहीं है, ये होम का है, होम में भी दिक्कत आना नहीं चाहिए, नहीं आएगा ना, आएगा आएगा कि नहीं आएगा जरा बता दो, इसको मैं रोक लेता हूँ अभी।